कुशवाहा समाज की अनदेखी की गई तो भाजपा को चुनाव में चुकानी होगी कीमत, राजू महतो ने कही। गिरडी आगामी लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को वाजिब हक नहीं मिला तो कुशवाहा समाज कोई भी कदम उठाने से परहेज नहीं करेगा। उक्त बातें अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो ने कही। श्री महतो ने रविवार को गिरिडीह के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि जो देगा टिकट कुशवाहा समाज के साथ उसके साथ है। इसके पूर्व अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गिरिडीह पहुंचने पर समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत मुक्के भेंट कर किया। प्रदेश अध्यक्ष के साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष केशव क्रांति, युवा के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र मेहता, प्रदेश सचिव राजेश वर्मा मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि भाजपा को स्थापित करने में कुशवाहा का बड़ा योगदान रहा है, साथ ही अब तक भाजपा के जीत में कुशवाहा समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रही है, बावजूद राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि भाजपा कुशवाहा समाज को अपना पिछलगु समझने की भूल नहीं करे, उम्मीदवारों में पुनर्विचार करे, अन्यथा कुशवाहा समाज अपना उम्मीदवार खड़ा करने और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने को बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा समाज की बड़ी जमात है, 4 लाख से अधिक की आबादी यहां कुशवाहा समाज की है। देश में भाजपा का खाता खोलने वाला संसदीय क्षेत्र कोडरमा लोकसभा ही है, जहां से समाज के ही जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा ने पहली बार चुनाव जीतने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 5 बार इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। कहा कि समाज भाजपा के साथ वफादारी कर रही है, लेकिन भाजपा कुशवाहा समाज के साथ दगा कर रही है, जिससे समाज के लोगों में भाजपा के प्रति काफी क्षोभ है। प्रदेश कुशवाहा महासभा के द्वारा अभी एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन हम लोग किए थे, और हमारा कुशवाहा समाज जो किसान वर्ग से आता है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो टिकट डिक्लेयर किया उसमें हमारा कुशवाहा समाज का घोर अनदेखा किया, और इससे कुशवाहा समाज बहुत ही मर्माहत है। और हम लोग कहते हैं कि हम वफा करके दरकिनार हो गए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताने में हम लोग मुख्य भूमिका अदा किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी टिकट देने के मामला में कुशवाहा समाज को वंचित करके दिया है, जो कि घोर निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए था कि कम से कम कुशवाहा समाज को दरकिनार ना करें, उनको भी जनसंख्या तो भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो चुनाव लड़े थे प्रथम मुख्यमंत्री का, उस समय भी से कुशवाहा समाज साथ दे रहा है, और उसके बाद आदरणीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का पहला खाता खोलने वाले व्यक्ति थे देश में, और उन्होंने राज्य स्तर से लेकर के देश स्तर तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसको आप नहीं भुला सकते हैं। दूसरा, अविभाजित बिहार में 2 जननायक थे, एक जननायक कर्पूरी ठाकुर और एक जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा। एक जननायक को तो भारत रत्न मिल गया और एक जननायक अभी बाकी है, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित करने का एक भारतीय जनता पार्टी को हम मांग करते हैं कि उनको भी जननायक हैं तो उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और राज्य के अंदर में हम लोग मांग करते हैं कि विकास का आधार कृषि को बनाइए, कृषि को बनाइएगा तो पलायन भी रुकेगा, विस्थापन भी रुकेगा, संसाधनों की लूट भी जो मची हुई है वो भी रुकेगा, और लोगों को आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। यहाँ पर इतना बड़ा श्रम शक्ति है जिसको कहीं अगर समाहित आप कर सकते हैं तो कृषि के क्षेत्र में कर सकते हैं। आप यहाँ पर कृषि में विकास के असीम संभावनाएं हैं, एरोमेटिक प्लांट का खेती कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट का खेती कर सकते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स का खेती कर सकते हैं, फूड ग्रेन का कर सकते हैं, फल का उत्पादन कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाइए और आपका जगह जगह सीन प्रोडक्शन यूनिट से बनाइए, तो कैसे श्रम शक्ति को समायोजित करके लोगों को लाभान्वित करें, इस दिशा में कदम बढ़ाइए। और यहाँ के संसाधनों को भी लूट जो मची हुई है, और शर्मनाक स्थिति यहाँ पर है कि जो हमारा राजनेताओं में भी जो विजन आना चाहिए था, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो नीतियाँ बनाना चाहिए था, ताकि अलग राज्य निर्माण के बाद में भी यह लोग महसूस कर सके कि दुनिया का सबसे धनी प्रदेश है, और दुनिया के सबसे धनी प्रदेश में इस तरह से जो बदहाली स्थिति है, पलायन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, बेबसी है, लाचारी है, इलाज की व्यवस्था नहीं है, कहीं शिक्षा व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इस तरह की जो दुर्व्यवस्था है, इस दुर्व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए हमारा राजनेता लोग सोचे, पार्टी दल के लोग सोचे और एक अच्छा विजन से काम करें, ताकि यहाँ के लोगों को न्याय मिल सके, आगे बढ़ने का अवसर मिल सके और देश दुनिया में भी झारखंड का नाम रोशन हो सके।